गुड मॉर्निंग बच्चों, ओजस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर सच्चू खाचरिया। बच्चों, मैं आशा करती हूं कि आपने हमारा पार्ट दूसरा काकू का नया स्कूल का भाग एक वाला वीडियो देख लिया होगा। आपने उस वीडियो को देखकर पार्ट को अच्छे से समझ लिया होगा और आपका गृह कार्य भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हम उसी पार्ट के क्लास वर्क यानी CW वर्क के बारे में और होमवर्क के बारे में और कुछ सीखेंगे। बच्चों, मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, शब्द को ढूंढकर गोला लगाइए, उससे आपने पाठ को अच्छे से पढ़ भी लिया होगा तो आपको पाठ अच्छा भी लगा होगा। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस पाठ के क्लास वर्क बुक में क्या लिखना है और फिर से पाठ्य पुस्तक में होमवर्क में क्या लिखना है। तो बच्चों, आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना अंक 13 निकालें। देखो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ पन्ना अंक 13। देखो बच्चों, यहाँ पे दिए हैं कठिन शब्द के अर्थ, इसको कहते हैं शब्दार्थ। ये है मौखिक प्रश्न, इसके भी उत्तर आपको मैं व्हाट्सएप पर फोटो के द्वारा भेजूंगी। अब बच्चों, आपको निकालना है आपकी पाठ्य पुस्तक का पन्ना अंक 14। 14 पर देखो, यहाँ पे दिया है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको फोटो में भेजूंगी। अब बच्चों, यहाँ पे है पन्ना अंक 14 पर है पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिया गया पाठ्यांश पढ़िए। पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए, यानी कि आपको ये पूरा का पूरा पाठ्यांश पढ़ना है और इसके प्रश्न पन्ना अंक 15 पर, देखो पन्ना अंक 15 पर इसके कुछ प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के सही उत्तर पर आपको टिक का निशान लगाना है, जैसे आप पहले भी कर चुके हो। देखो बच्चों, ये पाठ्यांश पढ़ने का काम हमने कक्षा 1 में भी किया था, आपको याद है ना, अपठित पाठ्यांश, अपठित गद्यांश, ये उसी तरह का है कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और उसके उत्तर लिखने हैं। अब है अगला सवाल आपके पाठ्य पुस्तक के पन्ना अंक 15 पर। अगला सवाल है भाषा से यानी व्याकरण का, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है किताब किताबें, दरवाज़ा दरवाजे, कुर्सी कुर्सियाँ, यानी जैसे मैंने कक्षा 1 में आपको पढ़ाया था एक वचन और बहुवचन। क्या पढ़ाया था? एक वचन और बहुवचन। देखो बच्चों, इसमें कहा भी है कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ लिया है, इसीलिए अब देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है कि बात, बात का हुआ बातें, ताला तो उसका हुआ ताले, कॉपी तो उसका हुआ कॉपिया। इसी हिसाब से आपको मेज़, कलम, छाता, लड़का, कैरी और नाली, इसका अपने आप से आपको उत्तर लिखना है जो आपको आता ही है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ही था। एक वचन का बहुवचन हमें लिखना है। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि क्लास वर्क बुक यानी CW बुक में आपको क्या लिखना है। पहले तो है शब्दार्थ, फिर है मौखिक प्रश्न, फिर है दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये सब प्रश्न कौन से पन्ने पर से लिखे हैं मैंने, वो पन्ना अंक मैंने लिख दिया है आपको। शब्दार्थ भी कहाँ से लिखे हैं, वो पन्ना अंक भी मैंने लिखा है। मैं आपको
मेरी क्लास वर्क बुक में जो मैंने लिखा है शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और प्रश्न के उत्तर लिखिए, इन सब का फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगी। तो आपको क्या करना है, फोटो देखकर अपनी दो लाइन वाली किताब में लिखना है, पेंसिल से लिखना है और सुंदर अक्षर से लिखना है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे हो और हम यहाँ पे, आपको अपने आप से ही आपकी CW बुक में अच्छे से फोटो में देखकर प्रश्न और उत्तर दोनों लिखने हैं। अब है बच्चों आपका आज का गृह कार्य, गृह कार्य यानी होमवर्क। देखो ये मैंने अभी आपको पाठ्यपुस्तक में समझाया ही है, आपको वही करना है। देखो दिया गया पाठ्यांश पढ़िए, पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए, यानी कि आपको जो पाठ्यांश जो 3-4 लाइन दी है उन सभी लाइनों को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके उत्तर आपको लिखने हैं, वो है पन्ना अंक 14 और 15 पर। फिर है पढ़िए समझिए और लिखिए, प्रश्न एक पन्ना अंक 15 पर, अभी वो कौन सा है, एक वचन से बहुवचन में लिखिए, ये भी आपको अपने आप से करना है। वो कहाँ पे करना है, अपनी पाठ्यपुस्तक में करना है, ये गृह कार्य आपको करना है अपनी पाठ्यपुस्तक में, और ये क्लास वर्क बुक में यानी CW बुक में, ये होगा आपका क्लास वर्क और ये होगा आपका होमवर्क। ये भी आपको मैं फोटो आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा, सब समझ में आ गया होगा, आप पाठ को बार बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।